जीवन एक यात्रा है, वो यात्रा में हमारा रोल कौन सा है ये एक बार डिसाइड कर। दो तरह के रोल हो सकते हैं, या तो ड्राइवर का रोल हो सकता है या पैसेंजर का रोल हो सकता है। यात्रा तो दोनों करते हैं, ड्राइवर भी यात्रा करता है और पैसेंजर भी यात्रा करता है, चाहे बस हो, चाहे फ्लाइट हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे कार हो। चारों क्षेत्र में यदि देखा जाए तो ड्राइवर भी यात्रा करता है, वो भी गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, पैसेंजर भी गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। इसी तरह से शास्त्रकार भगवंत ने बताया कि समझ लेना, जन्म जिनका हुआ उनकी यात्रा तो शुरू हो गई, जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से यात्रा शुरू हो गई, उस दिन से हमने हमारी यात्रा तो शुरू कर दी, पर यात्रा करते करते हमारा रोल कौन सा, हम ड्राइवर बनना चाहते हैं या हम पैसेंजर बनकर ही रह जाए। ड्राइवर के पास बड़ी गजब की ताकत होती है। संसार में कहा जाता है कि समझ लेना, संसार में आज का समय यह कहता है 700 से 700 करोड़ लोग होंगे, लेकिन उसमें से शायद 1 लाख 2 लाख लोग ऐसे होंगे जो रूलर है, बाकी सब फॉलोवर है। जितने भी फॉलोवर है सब पैसेंजर के रोल में है, और जितने भी रूलर है सब ड्राइवर के रोल में। हम हमारे जीवन को रूल खुद करते हैं या हमारा जीवन और कोई चलाता है, यह बड़ा क्वेश्चन मार्क हम आप लोगों के सामने। हमारे जीवन को हम खुद चलाते हैं या दूसरों के मुताबिक चलाते हैं? कोई हमें सुखी करके चला जाता है, किसी ने हमें हमारी प्रशंसा कर ली हम सुखी हो गए, किसी ने हमारी निंदा कर ली हम दुखी हो गए। हम हमारा जीवन खुद नहीं चलाते। आज के व्यक्ति के जीवन को जब देखते हैं तो निश्चित तौर पर महसूस होता है कि व्यक्ति खुद का जीवन खुद नहीं चलाता, दूसरे उसको चला रहे। हम रूलर बनने के लिए यहां पे आए, हम फॉलोवर बनने के लिए नहीं आए। जरूर परमात्मा के फॉलोवर बनेंगे, जरूर गुरु के फॉलोवर बनेंगे, लेकिन हमारे खुद के जीवन की जब बात आवे तब हमें पता होना चाहिए कि हमारा जीवन हम खुद चलाएंगे, दूसरा उसको रोल नहीं करेगा। आज सुखी और कोई करता है। आप कितने ही अच्छे मूड में हो, आपका मूड कितना ही अच्छा हो, आप कितने ही अच्छे मस्ती में हो, मजे में हो, और एक व्यक्ति आकर के आपको यह कह जाए कि फला फला भाई आपके लिए ये बात कर रहा था, आपका मूड एक सेकंड में डाउन हो जाए। क्यों और हमें चला है, क्यों औरों के हिसाब से औरों के मुताबिक हमारा जीवन चले, ऐसा क्यों? कब तक ये होता रहेगा, कब तक हम पैसेंजर बनके हमारे जीवन को चलाते रहेंगे? इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी गजब की बात करी कि जीवन में बनना है तो ड्राइवर बनना, हमारे जीवन की यात्रा हम खुद करें। कहा कि 3 डिफरेंस है ड्राइवर और पैसेंजर। यात्रा दोनों करते हैं, गंतव्य स्थान तक दोनों पहुंचते हैं, लेकिन ड्राइवर के पास ताकत है, पैसेंजर के पास ताकत नहीं है। और इसीलिए कहा कि यदि आप आपके जीवन के ड्राइवर बनना चाहते हो, उपाध्याय भगवंत ने बड़ी गजब की बात लिखी, कहा कि आप चालक हो या आप यात्री हो, समझ लेना, ड्राइवर या पैसेंजर। हमने हमारे जीवन को क्या बना करके रख दिया है, कोई हमें चलाता है, कोई हमें सुखी करता है, कोई हमें दुखी करता है, कोई हमें दौड़ाता है, कोई हमारे साथ क्या करके चला जाता है, हर में हम सुख दुख में कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। और समझ लेना, जब तक दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है तब तक हम सुखी नहीं बन सकते। दूसरा कोई हमें सुखी करना क्यों चाहेगा? दुनिया स्वार्थी है, हर एक व्यक्ति खुद का सोचता है, वो आपके बारे में क्यों सोचेगा? जब उसका स्वार्थ परिपूर्ण हो जाएगा तो वो आपको लात मार के निकल जाएगा। जब तक हम ये सोचेंगे कि दूसरा मुझे सुखी करे, जब तक हम ये सोच में रहेंगे कि इसने ये कहा इसलिए मैं दुखी हो गया, तब तक हम सुखी नहीं बन सकते। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में आपका रोल कौन सा ये जरूर चेक कर लेना, ड्राइवर या पैसेंजर। अनेकों जन्म हमें मिले, अनेकों बार मनुष्य जन्म हमें मिला, हर बार हम पैसेंजर बन के रह गए, ड्राइवर नहीं बन। एक छोटी सी चीज में राग द्वेष जीवन में इतना बढ़ा दिया, अनेक भवों की परंपरा बढ़ गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, 3 डिफरेंस है ड्राइवर और पैसेंजर के बीच। यदि आप ड्राइवर बनना चाहते हो तो जीवन में 3 चीजों की ताकत आपके पास होनी चाहिए। यदि 3 चीजों की ताकत आपके भीतर आ जाती है तो जीवन में निश्चित तौर पर आप ड्राइवर बन सकते हो। कहा कि ड्राइवर के पास पैसेंजर से बढ़ के 3 शक्तियां होती। सबसे पहले नंबर में दिशा की ताकत,
ड्राइवर को पता है कौन सी दिशा में जाना है। पैसेंजर यहां से बस में बैठेगा, चाहे झांसी के लिए, चाहे ग्वालियर के लिए, चाहे आगरा के लिए, उसको नहीं पता कि कौन से रोड से निकलना, कौन सी दिशा में जाना। उसने तो पोर्ट देखा कि ये बस ग्वालियर जाती है, उसके अंदर बैठ गया। लेकिन ड्राइवर ऐसे नहीं बन सकते। ड्राइवर वही बन पाएगा जिसके पास दिशा की ताकत हो, जिसका लक्ष्य क्लियर हो, जिसका गोल क्लियर हो, जो जीवन में कोई मंजिल तक पहुंचना चाहता हो, वही जीवन में ड्राइवर की सीट पर बैठ सकता है। आज संसार में करीबन करीबन लोगों को देखा जाए तो आपका लक्ष्य कुछ क्लियर नहीं। क्या जाना, क्या करना, कहां जाना, जीवन में कौन सी मंजिल प्राप्त करनी, कोई लक्ष्य आपके पास नहीं। जिस तरह से कोई भूला भटका इंसान इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते रहता है, इसी तरह से करीबन करीबन संसार के जीवों को देखा जाए तो हालात यही है। कोई भूले भटके इंसान की तरह कभी ये रास्ते पर, कभी ये रास्ते पर, कभी वो रास्ते पर, क्योंकि दिशा की ताकत हमारे पास नहीं है, हम शायद जीवन में ड्राइवर के रोल पे नहीं बैठ पाए। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ड्राइवर के पास सबसे बड़ी ताकत दिशा की ताकत है। उसको पता है कौन सी दिशा में, दिशा कौन सी श्रेयस्कर है, मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है, मुझे सदगति के लिए निकलना है, मुझे सदगति तक जाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मुझे जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मुझे जीवन में संतोष प्राप्त करना है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। मुझे जीवन में सुख प्राप्त करना है तो ये रास्ता पकड़ना पड़ेगा। यदि आप आपके जीवन के ड्राइवर हो तो आपको पता होगा कौन से रास्ते पर मुझे जाना। सबसे पहले नंबर में ड्राइवर के पास दिशा की ताकत, दूसरे नंबर में ड्राइवर के पास दृष्टि की ताकत है। पैसेंजर अंधा हो, देखने वाला ना हो, उसकी आंखें ना हो, तो भी यात्रा पूरी हो सकती है, लेकिन ड्राइवर अंधा हो तो यात्रा पूरी नहीं हो सकती। समझ, पैसेंजर के पास दृष्टि न हो तो भी वो यात्रा परिपूर्ण कर लेगा, लेकिन ड्राइवर अंधा होगा तो यात्रा पूरी नहीं हो सकती। आपको पता है संसार में आज के समय में देखा जाए तो 99% लोग ऐसे हैं जो आंख होते हुए भी अंधे हैं, उनके पास दृष्टि की ताकत ही नहीं। बिना आंख के अंधे तो संसार में शायद 1% हो गए, लेकिन देखने वाले अंधे, आंख होते हुए भी अंधे लोग संसार में बहुत है जो देखते नहीं। आंखों की ताकत, दृष्टि की ताकत परमात्मा ने दी हुई है, लेकिन फिर भी देखने का काम नहीं करते, भेड़ चाल की तरह अपना जीवन आगे बढ़ाते। इसने किया तो मुझे करना, इसने ऐसा घर बनाया अब मुझे बनाना, अरे उसका पुरुषार्थ अलग, उसका पुण्य अलग, उसकी ताकत अलग, उसके परिवार का सपोर्ट अलग, हर चीज अलग है उसके पास, तू कैसे कंपेरिजन कर सकता। दुनिया आज कंपैरिजन में अंधी बनी हुई है, हर एक व्यक्ति कंपटीशन में लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति कंपैरिजन करने के पीछे पड़ा हुआ है। इसके कपड़े ऐसे हैं, मेरे पास भी ऐसे ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, इसके हाथ में 1 लाख का मोबाइल है, मेरे हाथ में भी 1 लाख का मोबाइल होना चाहिए, इसके घर के बाहर 20 लाख की गाड़ी है, मेरे घर के बाहर भी 20 लाख की गाड़ी होना चाहिए। कॉम्पिटिशन कंपेरिजन में आप इतने अंधे बन गए हो कि खुद का हित सोच नहीं सकते। अंधा क्या, अंधा उसी को कहा जाता है जो खुद का हित नहीं जान पाता। मेरे लिए क्या भला, मेरे लिए क्या बुरा, वो भी जब तक हमें पता ना चले तो संसार में हम अंधे ही है। अंधा बेचारा वो नहीं जान पाता कि रास्ता कहां पे है, अंधा बेचारा ये नहीं जान पाता कि मुझे यहां चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अंधा बेचारा ये नहीं जान पाता कि मैं यहां चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा। आपके हालात भी ऐसे ही है, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लें, दृष्टि की ताकत यदि आपके भीतर है तो ही आप ड्राइवर बन सकते हैं। जीवन का कोई भी डिसीजन जब तक आप दूसरों के आधार से लेते हो तब तक आप पैसेंजर के रोल पे हो। जिस दिन जीवन का डिसीजन आपने स्वबुद्धि से लेना शुरू किया तब समझ लेना आप ड्राइवर के रोल में आ गए। दूसरे किसी ने 2-4 वाक्य क्या कह दिए हम भागने लगे, दूसरे किसी ने हमारा पारा क्या चढ़ा दिया हम क्रोधित हो गए। जब तक दूसरा आपके जीवन में इंटरफेरेंस करता रहेगा, दूसरे के पर जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे तब तक समझ लेना दृष्टि की ताकत आपके पास नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, ड्राइवर के पास 3 ताकत होती है, 1 दिशा की ताकत, दूसरे नंबर में दृष्टि की ताकत। उसको पता है
रास्ते में कहां कंकड़ आएंगे, कहां खड्डे गड्ढे आएंगे, कहां रास्ता खराब है, कौन सा रास्ता लेना कौन सा नहीं लेना, मात्र दिशा तय करने से नहीं काम बन जाता। रास्ते पे हर एक कदम कदम पे जागृत रहना पड़ता है। मात्र संयम हमने ले लिया उससे हमारी सदगति नहीं हो जाएगी। हर एक क्षण, हर एक मिनट, हर एक समय पर, हर एक प्रतिक्रिया देते हुए, हर एक संयोग में, हर एक हालात में, हर एक कदम कदम पे हमें जागृत रहना पड़ता है, तब हमारी सदगति होती है। ये रजोहरण ले लेंगे तो सदगति हो जाएंगी उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जागृत रहेंगे तो सदगति हो जाएंगी उसकी 100% गारंटी। ड्राइवर अंधा नहीं चल सकता। यदि हम हमारे जीवन में अंधे हैं तो समझ लेना हम पैसेंजर के रोल में हैं, हम ड्राइवर के रोल में। और तीसरी ताकत ड्राइवर के पास है दिमाग की ताकत, दृष्टि की ताकत तो है, लेकिन जब पता चले कि अब एक्सीडेंट होने की संभावना है तब न दिशा काम आती है न दृष्टि काम आती है, तब क्या काम आता है? दिमाग काम आता है। तब दिमाग लगाना पड़ता है कि अब क्या किया है? दिशा क्लियर है, दिशा देख करके निकले, दृष्टि से पता चल गया कि सामने कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने की संभावना है, सामने कहीं ना कहीं बस गिरने की संभावना है, बस खाई में जाने की संभावना है, तब न दिशा काम आती है, तब न दृष्टि काम आती है, तब क्या काम आता है? दिमाग काम आता है। कहा तीसरी ताकत ड्राइवर के पास यदि कोई है तो वो दिमाग की ताकत है। जब जीवन में ऐसे संयोग आ जाए तब हम क्या करें? ये दिशा से नहीं तय होगा, ये दृष्टि से नहीं तय होगा, ये हमारी बुद्धि से तय। और इसीलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि परमात्मा के पास जाकर के मांगने की आपकी आदत हो और कोई चीज नहीं मांगना, जीवन में सद्बुद्धि जरूर मांग ले। जब जब परमात्मा के पास जाओ, परमात्मा के पास जाकर के आपका यह मन हो कि मुझे कुछ मांग लेना है, मुझे कुछ ले लेना है, परमात्मा के सामने जाकर के मुझे कुछ मांगना है, तो परमात्मा के सामने जाकर के और कुछ नहीं मांगना, मात्र सद्बुद्धि मांग लेना, क्योंकि बुद्धि की ताकत से हमारे जीवन के कई एक्सीडेंट रुक सकते। ये बुद्धि के भीतर इतनी गजब की ताकत है, वो हमारे जीवन के एक्सीडेंट को रोक सकता है, अकस्मात को रोक सकता है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना कि जीवन में हमारा रोल क्या, हम कहां पर खड़े हैं। दिमाग की ताकत यदि हमारी सही होगी तो हम अकस्मात से बच पाएंगे, दिमाग की ताकत यदि हमारी बराबर होगी तो कहीं ना कहीं अकस्मात से हम रुक पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में चेक कर लेना हमारा रोल कौन सा, ड्राइवर का या पैसेंजर का। तीन चीजें जब देखेंगे तो पता चलेगा। ड्राइवर के पास सबसे पहले नंबर में कौन सी ताकत है? दिशा की ताकत। दूसरे नंबर में दृष्टि की ताकत। और तीसरे नंबर में दिमाग की ताकत। ये तीन यदि हमारे भीतर मौजूद है तो कहीं ना कहीं हम ड्राइवर के रोल में आ सकते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठ सकते हैं। वरना अनेकों भव पैसेंजर बन के हमने यात्रा करी है और आने वाले अनेकों भव यही करते रहेंगे। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।